A very warm welcome in my YouTube channel. मैं हूँ एलिया और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल बायोलॉजी विद एलिया. सो वी हैव स्टार्टेड द सेल बायोलॉजी सीरीज. हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, सेल वॉल पढ़ ली, साइटोप्लाज्म भी पढ़ लिया. सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑर्गेनेल्स. सो हमारी जो आज की फर्स्ट ऑर्गेनेल है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. अब जो हम चार आगे और ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले हैं, गॉल्जी ऑपरेटस, फिर लाइसोसोम्स, उनमें हम आगे जो चीजें पढ़ेंगे बेसिकली वो सारी ऑर्गेनेल्स डिफरेंट है एक दूसरे से, बट दे हैव अ कॉमन फंक्शन. ठीक है, और वो कॉमन फंक्शन हम जब लाइसोसोम्स पढ़ेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, फॉर दिस लेक्चर लेट्स स्टार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो the network of channels extended throughout the cytoplasm. Basically, endoplasmic reticulum network of channels होते हैं जो के nucleus के साथ भी attach होते हैं और extended होते हैं throughout the cytoplasm. So, मैंने यहाँ पे जो diagram बनाई है, you can see here very clearly, ये जो green वाला portion है, this is basically the nucleus. और इसके अंदर जो black dot से मैंने बनाए हैं, these are the nuclear pores. जब हम nucleus को further study करेंगे detail में, then I will tell you कि इसके nuclear envelope के अंदर pores होते हैं. अब ये जो endoplasmic reticulum है, it is attached with those pores. और आगे हम देखते हैं कि ये क्यों attached होता है. Now cisterna, the material present in these channels is separated from cytoplasmic materials by the spherical or tubular membranes called cisterna. So basically ये membrane bound organelle है और ये जो membranes हैं जो के internal जो इसके अंदर सारा matrix है उसको cytoplasmic material से separate करती हैं. These membranes जो मैंने आपको infoldings बनाई हुई हैं, these are basically the cisterna. और इनका यही function है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर के मटेरियल को आउटसाइड की जो मटेरियल्स हैं साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स उनसे सेपरेट करती हैं. ओके, अब साइटोप्लाज्म की आगे से मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिपेंडिंग अपॉन देयर आउटर सरफेस. सो लेट्स स्टार्ट. The first one is the rough endoplasmic reticulum and the second one is the smooth endoplasmic reticulum. अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान में जो main difference है ना, let's see that. Here मैंने यहाँ पे board के ऊपर ये जो दो die ये बनाए हुए हैं, है तो ये भी endoplasmic reticulum और ये भी, but there is a difference. That difference, there is a very permanent difference. Basically जो rough endoplasmic reticulum है उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते. दिस इज द मेन डिफरेंस. सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द फंक्शन. बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और भी फंक्शंस होते हैं, बट इसका एक खास फंक्शन है जो कि इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एंड दैट फंक्शन इज दैट इट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस. अब हम देख सकते हैं कि राइबोसोम्स इसके आउटर सरफेस पे अटैच हैं. अब ये अटैच है और हमें इस बात का भी पता है कि राइबोसोम का जो फंक्शन है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. अब क्योंकि राइबोसोम्स का जो फंक्शन है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस एंड दे आर अटैच ऑन द सरफेस, सो इस वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर. ठीक है, और वो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे जब हम लाइसोसोम्स और गॉल्जी ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे. देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एज आई हैव टोल्ड यू, इसके आउटर सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं अटैच होते, दैट्स व्हाई इसका जो सर्फेस होता है दैट इज स्मूथ. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग द फंक्शंस. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पहला फंक्शन है दैट इज इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स बट पर्टिकुलरली लिपिड्स. ठीक है,
ये मेटाबॉलिज्म में बेसिकली हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, लिपिड्स की ब्रेक डाउन के अंदर ये हेल्प करता है, ठीक है। दे हेल्प इन टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स। अब जो लोग ड्रग एडिक्शन में होते हैं, ठीक है, अब वो ड्रग्स क्योंकि बॉडी के अंदर जाएंगे सो दे आर गोइंग टू बी हार्मफुल, बट हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे तरीके से ट्राई करता है कि वो डिटॉक्सिफाई कर सके ब्लड को भी और जो मटीरियल होता है सेल के अंदर का उसको, ताकि ड्रग्स डैमेज ना प्रोड्यूस कर सके। देन थर्ड फंक्शन, इन सम सेल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है ना, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन एवरी काइंड ऑफ डिफरेंट सेल, ठीक है। अगर हम मसल सेल की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर सिर्फ डिफरेंट हो सकता है, यानी कि शेप डिफरेंट हो सकती है, बट इसका जो कंपोजिशन होगी ये सारा कुछ सेम ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ टाइप ऑफ सेल्स में, फॉर एग्जाम्पल मसल एंड नर्व सेल्स में इम्पल्सिस की भी ट्रांसमिशन करता है, ठीक है, नर्व इम्पल्सिस को भी प्रोड्यूस करवाता है। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू द अदर। अब हम कह रहे हैं दैट इट इज एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इस वजह से इसको मदद मिलती है कि ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करवा सकता है एक पार्ट ऑफ सेल से दूसरे पार्ट ऑफ सेल तक। देन द लास्ट फंक्शन, एंड दिस फंक्शन इज कॉमन इन स्मूथ एज वेल एज इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल सो शेप्स ऑफ सेल इज मेंटेन, ठीक है। ये जो भी जिस भी स्पेसिफिक सेल में होगा ये उसकी शेप को मेंटेन करने में मदद करेगा, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस ऑर्गेनेल, ठीक है, ये बहुत ईजी थी अभी के लिए, हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। So, if you like this video, and I hope so, this will be very, very informative and helpful for you. So, if you like this video, please subscribe my channel and also hit the bell icon for my latest uploads. Or comment section में अगर आपको कोई भी इससे related कोई और आपको कोई question आता है, you can ask me that question in the comment section and I will try my best to answer every question of yours. So, thank you very much.